जहां एक ओर पूरे देश में आज टमाटर की कीमतों में आई उछाल ने लोगों के किचन का बजट बिगाड़ रखा है, तो कई लोग बिना टमाटर के ही सब्जी का स्वाद चखने को मजबूर हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के बस्तर में इन दिनों एक ऐसी सब्जी लोगों की पसंद बनी हुई है जिसकी कीमत लगभग 2000 रुपए से भी ज्यादा है। आलम यह है कि यहाँ के लोग इसे मुंह मांगी कीमतों में खरीदने को भी तैयार हैं। जी हाँ, अपनी अनूठी संस्कृति और जनजातीय मूल्यों को समेटे छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इन दिनों दुनिया की सबसे महंगी सब्जी बिक रही है। ऐसा कहना है जिले में सब्जी खरीदने पहुंचे लोगों का। बता दें कि बस्तर के बोड़ा के जायके के लोग दीवाने हैं, क्योंकि राज्य में लोगों को इस सब्जी का स्वाद साल भर में केवल 2 महीने ही चखने को मिलता है। लगभग 2 से 4 हजार रुपए प्रति किलो तक बिकने वाली इस सब्जी के प्रति लोगों की दीवानगी देखने लायक है, क्योंकि इस सब्जी को खरीदने के लिए लोगों की भारी भीड़ बाजारों में देखने को मिल रही है। बोड़ा एक तरीके से देखा जाए तो इसको बड़े चाव से लोग बना के खाते हैं सब्जी के रूप में, और कहा जाता है कि ये अनेक प्रकार की बीमारियों को ठीक करता है। ब्लड प्रेशर है, शुगर है और अन्य बीमारियों को भी ठीक करता है, ऐसा कहावत है, मतलब कहते हैं लोग। और दूसरा चीज़ ये है कि ये महंगा होने के बाद भी इसको खाने का लोग वोट लगा हुआ है। यहाँ करीबन 1500 से लेकर 1800 रुपए किलो पड़ता है। दरअसल बोड़ा नाम का यह मशरूम जंगलों में केवल बारिश के दिनों में ही जमीन के नीचे उगता है। किसान इसे जमीन में चाकू या किसी नुकीली चीज से मिट्टी हटाकर निकालते हैं। बस्तर में इसकी अधिकतम कीमत 2000 रुपए किलो तक पहुंच जाती है, तो कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि एक तरह से आदिवासी ग्रामीणों के लिए यह सब्जी एक मजबूत आय का स्रोत भी है। बोड़ा मिलता है जंगल में, सरगी जंगल रहेगा ना, वो सरगी जंगल का पेड़ के नीचे मिलता है, उसको पत्ता को जराते हैं तब लकड़ी बोड़ा मिलता है, और वो पत्ता कूद जाएगा ना तो लकड़ी बोड़ा निकाल जात बोड़ा निकलेगा, उसके बाद लकड़ी बोड़ा निकलेगा। हाँ, उसको निकाल के लाते हैं भाई मन, फिर 1000 किलो 2000 किलो होते होते फिर 500 भी होता है, 200 रुपया किलो भी होता है, अभी 800 रुपया किलो चल रहा है। साल भर में एक बार आता है, 2 महीना 1 महीना आता है, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, इसीलिए महंगा भी है, खाने लोग भी अच्छा से खाते हैं, और ये जंगल में भी 12 महीना नहीं निकलता है, एक दो महीना निकलता है, उसके बाद भी नहीं। इसको नहीं लगाते हैं, नहीं लगाने से नहीं निकलेगा।